अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की हमारी रेसिपी है चॉकलेट केक की। यहाँ पे हमने जिस पैन में केक बेक करना है उसको हमने ले लेना है, और पहले उसको हमने ग्रीस करके ऑयल लगा के रख देना है, प्रिपेयर कर देना है। उसके बाद हमने एक बाउल में 150 ग्राम्स मक्खन लेना है, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड, इट डिपेंड्स ऑन यू। फिर हमने इसमें बारीक पिसी हुई चीनी लेनी है 350 ग्राम्स। मैं साथ साथ आपको दिखा भी रही हूँ। और इसको हमने, मतलब आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे या सारी डाल दें, मैंने चीनी एक दफ़ा में ही डाल दी है। और रूम टेम्परेचर आपने बटर लेना है, उसको अच्छे तरीके से आपने बीट करना है, इतना बीट करना है कि ये चीनी और मक्खन एक जैसे एक पेस्ट की सूरत में आ जाए आपके सामने। ये आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स होता रहेगा और मैं आपको साथ साथ दिखाती भी रहूँगी। बटर के केक ज़्यादा अच्छे होते हैं बनिस्बत ऑयल के, तो मुझे बटर वाले केक बहुत अच्छे लगते हैं। फिर इसमें हमने, जब ये इस तरह की फॉर्म में आ जाए, फिर हमने इसके अंदर एक एक करके अंडा डालना है। 3 अंडे यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं और इसको बीट करते जाना है। बस एक एक अंडे को आपने अच्छे से इसमें मिक्स करते जाना है और वन बाय वन इसमें एग्स ऐड करते जाना है। अब हमने यहाँ पे दूसरा अंडा ऐड किया है और इसी तरीके से हम यहाँ पे तीसरा ऐड करेंगे। और मैंने दूध इसमें एंड में डाला है, आप चाहें तो इसको इस टाइम पे भी, जब आप अंडे मिक्स कर लें तो उस टाइम पे भी आप दूध ऐड कर सकते हैं। अब देख लें, ये बीट करने के बाद इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा इसका। यहाँ पे अब आप वनीला एसेंस ऐड करें 1 टीस्पून, और सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स आप पहले ही छान के एक साइड पर रख लें। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, 240 ग्राम्स हमने यहाँ पे मैदा लिया है और 75 ग्राम्स हम यहाँ पे कोको पाउडर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके इनको आप ऐड करते रहेंगे। एक साथ ही हमने नहीं डालना, अच्छे से मिक्स नहीं होता, फिर उसमें थोड़े से वो लम्स रह जाते हैं। तो आप पहले दूध डाल देंगे तो ज़्यादा जल्दी मिक्स हो जाएगा, और मैंने बाद में दूध डाला है। अब यहाँ पे हम फिर दोबारा से अपना मैदा और कोको पाउडर ऐड करेंगे ऐसा ऐसा, और इसको साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। जब ये मिक्स हो जाए इस तरह से, तो फिर इसमें हमने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और 1/2 टीस्पून यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं बेकिंग पाउडर, और 300 ml हमने इसमें मिल्क ऐड करना है, और इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने फिर डाल के बीट कर लेना है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे और इसको बीट करते रहेंगे। ये अब अच्छे से ऐड हो गया है। यहाँ पे अब आप देख लें, इसका टेक्सचर इस तरह से है कि जैसे थोड़ा फटा फटा सा होता है, क्योंकि ये मक्खन में बना हुआ है इसलिए इसका टेक्सचर ऐसा ही आएगा, तो आपने परेशान नहीं होना। इट मीन्स कि आपका बैटर रेडी है। यहाँ पे जो हमने पैन प्रिपेयर करके रखा था उसके अंदर आपने अपना सारा बैटर सारा डाल लेना है। आप चाहें तो नीचे बटर पेपर भी लगा सकते हैं, मुझे नहीं ज़रूरत थी, मैंने नहीं लगाया इसलिए। अब सारा बैटर इसमें डालने के और सेट करने के बाद हम इसको अपने पैन में रख देंगे, जो अपने देज का वगैरह जो भी था। यहाँ पे हम साथ गार्निशिंग अब साथ साथ तैयार करेंगे। 250 ग्राम्स हमने यहाँ पे चॉकलेट ले ली है, और इसी तरीके से 1/2 कप हम यहाँ पे क्रीम ले लेंगे। क्रीम को हम लोगों ने बारीक बारीक सा काट लिया है, रूम टेम्परेचर लेनी है और उसको अच्छे तरीके से बीट करना स्टार्ट कर देना है। और बीच में 1 चम्मच या 2 चम्मच आप ज़रूरत पड़े तो इसमें डाल सकते हैं दूध भी। उसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने बीट कर लिया, और यहाँ पे हमारा केक भी रेडी हो चुका है। और केक बहुत अच्छा रेडी हुआ है, बहुत अच्छा राइज हुआ है और आपके सामने बहुत सॉफ्ट था। और फिर जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट था ऊपर का, वो हम लोगों ने रिमूव कर देना है, और बाकी हमने बीच में से इसकी जितनी लेयरिंग आपने करनी है उस तरीके से कर लें। मैंने यहाँ पे 2 लेयर्स रखी थी टोटल। तो उसके बाद यहाँ पे जो मैंने क्रीम अलग से बीट करके रखी थी, जिसके अंदर मैंने चॉकलेट कम थी और क्रीम ज़्यादा थी, इसको यहाँ पे मैंने बीट करके रख लिया था। और अब इसकी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मुझे जल्दी थी तो इसलिए मैंने इस तरह की लुक दी है। आप चाहें तो इससे क्रीम से फ्लावर्स भी बना सकते हैं। द टेस्ट वॉज रियली नाइस। और ये जो इसके ऊपर आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, ये भी मैंने चॉकलेट से ही बनाए हैं।
ये मैंने मोल्ड में सिलिकॉन मोल्ड्स जो होते हैं उसमें बनाए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।